असी पहला जागृति जिहड़ा काम आरंभ ना है ना इस दी सफलता लई जो श्री अकाल तख्त साहब तों ही हुणे फैसला होया उस ही फैसले की सफलता लई कि बराबर प्रकाश नहीं किया जा सकता जिक्र तां कीता सी सरदार किशन सिंह जी बड़े खूबसूरत ढंग नाल साथ निभा रहे ने मैं फिर दोबारा अर्ज करदे हां मुकला आसान तरीका यह है कि तुसी अपने घर विच बैठ के ही अपने गुरु लई हफ्ते विच 15 मिनट कढ लिया करो मैं तुहानू कोई लड़ाई झगड़े नहीं आख रहा लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब का आदर कायम करना है यह तुहाडी साडी जिम्मेवारी है यह किसी होर ने आके नहीं करना सिख अखवान वाले नहीं करना इनका सब तो सौखा ते आसान तरीका है पहला मेंटली प्रेशर पैदा करना हर सिख हफ्ते विच 15 मिनट कटे तो एक चिट्ठी लिखी जाती है एक चिट्ठी लिखेगी कि तीन बार फैसला हो चुका श्री गुरु ग्रंथ साहिब के मुकाबले दूजा प्रकाश नहीं हो सकता नहीं किया जा सकता ते हुण सिखी जाग पई है इसलिए मन मत बहुती देर नहीं सही जाएगी हे उन्हां अस्थानां ते बैठे हुए प्रबंधक वीरो असीं तुहानूं चेतावनी वजो अर्ज करने आ कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे बराबर तों दरबार तों दूजा ग्रंथ हटा दिओ तुसीं अपने घरां विच जिवें मर्जी पढ़ो पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे मुकाबले हटा दिओ कौम चैन नाल नहीं बैठेगी उन्नी देर जिन्नी देर गुरु का अदब कायम नहीं कर सकेगी दसने भी चलो पाए चलो पाने नाल कोई एक वक्त कई बार छोटी चीज कम दिंदी है इसलिए ताकि मैं संसार अंदर अपने जीवन काल में एक चेतावनी वजो विचर सकता कि साढ़े जुम्मे कुछ कम बाकी है जिहड़ा अजे पूरा नहीं होया ते लिखो ना चिट्ठियां विच कि हटा दे ओ कौम मजबूर हो के जे कोई इस तो अगे कदम चुकती है फिर उनके जिम्मेवार तुसी होवोगे असी नहीं चाहते पर हटा दे लो तुसी इस तरह की 15 मिनट कढ के हर हफ्ते चिट्ठियां पाने शुरू कर दियो भावे उन ही चिट्ठियां नूं रिपीट करी चलो जदों 5,000, 7,000, 2,000 चिट्ठी कौम विचों रोज दी जाएगी ना उन्हां स्थानां ते उन्हां दे कण खड़े हो जाणगे उह सोची पै जाणगे कि कौम जाग पई है हुण सौंदी नहीं ये तुहाडी सफलता का पहला कदम होगा और आसान तरीका है हर सिख का फर्ज बनता है और ऐनी गल ते हर सिख का जिहड़ा गुरु लई ऐनी गुरु दे अदब लई ऐना भी नहीं कर सकता कि 15 मिनट कढ के चिट्ठी पा देवे उन्हां ही स्थानां ते हर हर थावे हर हफ्ते पै जाण हर सिख वल्लों चिट्ठी कोई अज लिखे कोई कल लिखे उन्हां ही तख्तां ते उन्हां ही जिम्मेवार लोगों से उन्हां ही बोर्डां नूं मुखातब करके उन्हां ही प्रबंधक कमेटियां नूं मुखातब करके हर हफ्ते चिट्ठियां पाई चलो तुसीं वेखोगे इनका रिजल्ट की निकलता है उन्हां नूं सोचण लई मजबूर कर दिओ कि असीं भले उह झगड़ा नहीं चाहते लेकिन असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी भी नहीं बर्दाश्त कर सकते जे तुसीं लगातार इन्ना ही काम कर लो ना भुगता लो तो मैं समझना आप सफलता वाल कदम उठा रहे हो पर एक ख्याल करो जिनी देर श्री गुरु ग्रंथ साहब के बराबर किसी होर ग्रंथ का प्रकाश है समझ लो अजे साडा कुछ अधूरा पिया है यह फैसला मेरा नहीं गुरु दशम पातशाह जी का यह फैसला अज तो 60 साल पहला होया होया संपूर्ण पंथक सिख रहत मर्यादा का यह फैसला हुण 10 दिन पहला मुड़ श्री अकाल तख्त साहब तो होया होया फिर फैसला है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब के बराबर किसी ग्रंथ पोथी का प्रकाश नहीं हो सकता बस इन्नी गल तुहाडे कोल मंगना ताकि असीं इह आख सकीए बाबा नानक ने एवें नहीं आख्या कहण लगे हाँ तो एक रमैया लै बस मैं एक रब चाहिए मैं रब की भगवान की वरायटी नहीं चाहता कह लगे हाँ तो एक रमैया लै बस मैं एक रब चाहना बाकी जिन्ने देवी देवते उस ग्रंथ में भरे पे ने
जिन्हां दीआं उपासना दे दाग गुरु दसम पातशाह जी दे दामन ते भी लगाए जा रहे हैं। खरे कदे भगती दा उपाशक है, कदे कालका दा उपाशक है, कदे चंडी दा उपाशक है। ये सारियां गल्लां असी कलंक ते दाग गुरु दसम पातशाह जी दे पवित्र दामन जिहड़ा एक अकाल पुरख दा पुजारी है उहदे दामन ते नहीं लगे रहण देना चाहते। इसलिए स्पष्ट कर दिओ बाबा नामदेव जी की भी यही प्रेरणा है ते कहिंदा है